छोटी और चतुर चिड़िया थी जो एक घने जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी। जंगल बहुत ही सुंदर था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बहुत से जानवर रहते थे। टोनी का सबसे अच्छा दोस्त मोती नाम का एक सफेद कबूतर था। दोनों हर रोज मिलकर खेलते और जंगल की सैर करते थे। टोनी को आसमान में उड़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए जंगल के नजारों का आनंद लेती थी। एक दिन टोनी ने सोचा कि वह जंगल के बाहर की दुनिया देखेगी। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। पर टोनी जिद्दी थी। उसने सोचा, मैं चतुर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन टोनी और मोती दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल के बाहर जाएंगे। वे दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां खुला आसमान, बड़े बड़े खेत और दूर दूर तक फैले पहाड़ थे। टोनी इस नई दुनिया को देखकर बहुत खुश थी। उड़ते उड़ते टोनी और मोती एक गांव के पास पहुंचे। गांव में इंसान रहते थे और टोनी ने पहले कभी इंसानों को इतने करीब से नहीं देखा था। वह उत्सुकता से गांव के अंदर उड़ गई। मोती ने उसे रोका, टोनी हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए, वे हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन टोनी ने उसकी बात नहीं मानी और गांव के अंदर जाने का फैसला किया। गांव में बहुत हल